विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वाला जी में आज सावन अष्टमी नवरात्र मेले कन्या पूजन के साथ आरंभ हो गए। जिला कांगड़ा के शक्तिपीठ मां श्री ज्वाला जी देवी मंदिर को फूल मालाओं से सजाकर तैयार किया गया है। नवरात्र में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने व सबको शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन करने के लिए मंदिर प्रशासन, पुजारियों एवं पुलिस प्रशासन ने मुकम्मल तैयारियां कर रखी है। शक्तिपीठ ज्वाला जी मुखी मंदिर पर सावन नवरात्र से पिछले दिन से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। मां के दर्शनों के लिए मंदिर न्यास की ओर से पूरे प्रबंध किए गए हैं। मंदिर मार्ग पर पूजन सामग्री की सैकड़ों दुकानें सज गई हैं। ज्वाला जी मंदिर के सहायक आयुक्त अंकुश शर्मा ने झंडा रस्म अदा की। वीरवार की भोर में श्रृंगार आरती के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन हेतु खोल दिया गया। गर्भगृह में दर्शन के बाद भीड़ जमा ना हो पाए इसके लिए मंदिर प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। ज्वालामुखी के डीएसपी तिलक राज ने बताया कि नवरात्र में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है तथा शहर के चप्पे चप्पे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर में यातायात सुचारू रूप से चल सके इसके लिए बड़े तथा छोटे वाहनों को गुंजादा बाग में ही रोक दिया गया है। यातायात व्यवस्था पर भी विशेष टीमें गठित की गई है। महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महिला पुलिस को भी तैनात किया गया है। शरारती तत्वों की निगरानी रखने के लिए मंदिर परिसर तथा तमाम मंदिर मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों से कड़ी नजर रखी गई है। ज्वालामुखी मंदिर में जो श्रावण मेला आज से शुरू हुआ है इसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसको 6 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें माकूल जो है पुलिस फोर्स तैनात की गई है और ट्रैफिक की दृष्टि से हमने यहाँ पे 8 के करीब पार्किंग हमारे पास है छोटे बड़े वाहनों के लिए। पूरी पुलिस को हमने ब्रीफ किया हुआ है कि श्रद्धालुओं के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको अच्छे से गाइड करें और उनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा ताकि कोई लैंड रोड सिचुएशन ना आए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।